हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को, जैसा कि मैंने आपसे बच्चों कमेंट पर शेयर किया था कि आपको देखिए कोई भी सवाल पूछना रहेगा, तो टोटल लगभग 17 सवाल आए थे आपसे बच्चों का, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह देखिए मैं हर वीक में कमेंट पर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें अगर आपको जो भी सवाल रहेगा कि आपका एग्जामिनेशन क्या होगी, टोटल बात जो रहेगा वो एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार कि हर अपडेट आपको मुझे मिलता रहे। देखिए सबसे पहला सवाल है जो है गेमिंग विद प्रकाश का। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे बच्चे जिनका फेल आया रिजल्ट, उनका एग्जामिनेशन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाला फोक फिर से कब होने वाला है। तो देखिए जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर जिनका रिजल्ट अभी वर्तमान फेल आया, तो जान लीजिए अभी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 6 से 8 महीने डिले होगा। मैंने कल ही जो एक्स स्टूडेंट का वीडियो डाला था उसमें मैंने प्रॉपर बता दिया कि एक्स स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन होगा सेमेस्टर वन का वो आपका 6 महीने लगेगा, 6 से 8 महीने लगेगा। लेकिन जो सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन होगा, मतलब आप सभी बच्चे जो सेमेस्टर वन पास हो गए अपना सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो लगभग 3 से 4 महीने के इंटरवल में कट किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है रितिका कुमारी के, सर सोशियोलॉजी आईआरसी का सिलेबस। देखिए आईआरसी पेपर आपने सेमेस्टर वन और टू में रखा था, इस बार आईआरसी पेपर फिर से आपका चेंज होगा। ये बात आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि आपका 6 सेमेस्टर तक लगभग लगभग आपका हर बार आईआरसी पेपर चेंज होगा। तो आपने अगर सेमेस्टर वन में टू और आईआरसी में सोशल नहीं रखा, आपके पास अगर वो ऑप्शन रहता है तो ही आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने मन मौजी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं जब देखिए आईआरसी का इसकी वीडियो डाल दूंगा कि आप आईआरसी में कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं ऑनर्स के अकॉर्डिंग, तो ही मैं आपको इसका सिलेबस क्लियर करूंगा। ठीक है, अगला देखिए जेबीएस पापा का नाम पे, जो बेसिकली मीम बहुत अच्छा चलता है इनके नाम पे, तो सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन डीएससी बेसिक सेमेस्टर 5 का जो एग्जामिनेशन अभी खत्म होगा, मतलब सेमेस्टर 4 में जो बच्चे अभी इनका एग्जामिनेशन हो गया, सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन था इनका दिसंबर में होगा। तो हाँ सेमेस्टर 5 आपका लगभग लगभग नवंबर दिसंबर में होगा। डीएससी पेपर का सिलेक्शन देखिए, डीएससी पेपर का जो सिलेक्शन होता है क्योंकि ये कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो डीएससी पेपर देखिए हर बेसिकली कॉलेज क्या करता है, डीएससी पेपर देखिए डीएससी 1-2 होता है। ठीक है, 1 में ए ग्रुप और बी ग्रुप होता है, ए और बी ग्रुप में आप कोई भी एक ले सकते हैं, 2 में ए और बी ग्रुप उसमें भी कोई आप एक ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डीएससी पेपर देखिए अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, जो दोस्त रखें ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या किसी एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए तो आपको थोड़ा समझा भी सकते हैं, इसलिए डीएससी पेपर वाला आप वहां से बेसिकली समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ऑनलाइन बेसिकली आप कौन सा बुक चाहते हैं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट तो नहीं हूँ लेकिन मैं किसी से अगर होगा, मैं बेसिकली उन जिनमें टीचर्स है उनसे बात करके आपसे बच्चों के लिए कोशिश करूंगा इसको क्लियर करने का। अगला है आकाश कुमार का, सेमेस्टर 2 ओल्ड कोर्स का एग्जामिनेशन। देखिए मैंने बोला सेमेस्टर 2 जो ओल्ड कोर्स के बच्चे उनका 3 से 4 महीने के बाद आपसे बच्चों की एग्जामिनेशन होगा। फिर अगला है बबलू, किसको सेमेस्टर 2 में फेल जो स्टूडेंट है उनका क्या होगा, पहले बार बताना है। तो देखिए जो बच्चे सेमेस्टर 2 में फेल है, जिनका रिजल्ट फेल है, अगर जो अभी सेमेस्टर 2 में जो फेल होंगे, मतलब सेशन 22-26 की हम बात करें, तो सेमेस्टर 2 में फेल अगर बच्चा रहेगा तो उसको आगे जाने रोकने रोक दिया जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता, ये बात आपको मालूम होगा, तो इसीलिए उसमें कुछ नहीं कह सकता। चित्रांश सा त्रिपाठी का नाम है, तो कैंपस सिलेक्शन होता है पीकेएल में। देखिए कह सकते हैं कैंपस सिलेक्शन होता है, ये नहीं बोलो नहीं होता, लेकिन जो कैंपस सिलेक्शन के जो बेसिकली ऐसे कंपनी आते हैं ना, 10,000-11,000 का पेमेंट में आपको गुजरात लेके जाते हैं या 12,000 में, तो जिसमें से आपका प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग डिस्टेंस पे इतना कम प्रॉफिट नहीं होता है। तो कैंपस सिलेक्शन से होता नहीं बोलो, लेकिन कोई ठीक नहीं कि कब आता है, लास्ट साल 1 साल या 1.5 साल पहले उसमें बच्चों को मतलब लेके जाया जाता नहीं बोलूंगा, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं रहता है। क्या है सुमी साजी का, ठीक है सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन डेट, तो याद देखिए सेमेस्टर 3 आपसे बच्चों का अक्टूबर सॉरी दुर्गा पूजा के बाद या दीपावली के बाद आपसे बच्चों को कंडक्ट करवा लिया जाए, बाकी तो हमारी यूनिवर्सिटी महान है कुछ भी कर सकता है। विष्णु प्रसाद महतो, सेमेस्टर 1 है बैक जो बच्चे एग्जामिनेशन, तो मैंने बोल ही दिया 6 से 8 महीने के बाद होगा। एजुकेशन पॉइंट सेमेस्टर 2 रिजल्ट, तो अभी आपसे बच्चे आराम से रहिए, यूनिवर्सिटी हमारा रिजल्ट जाने करने में भी 2-3 महीने लगा देगा, लगभग 2 महीने तो जान लीजिए कि आपसे बच्चों जो रिजल्ट होगा वो सेप्टेम्बर में जारी होगा। RK154 सेमेस्टर 2 रिजल्ट एंड सेमेस्टर 1 में जो बच्चे फेल हुए उनका क्या होगा, तो सेमेस्टर 2 रिजल्ट अभी 2 महीने मान के चलिए, सेमेस्टर 1 में जो बच्चे फेल हुए उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो मार्च और अप्रैल या फिर कह सकते फरवरी के टाइम में आपसे बच्चों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उनका एग्जामिनेशन होगा। रविशंकर, सेमेस्टर 1 का फिर से एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखिए किस सेशन की बात करें वो उस पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग बात करें 22-26 का तो आपका बेसिकली फरवरी होगा, लेकिन जो बच्चे अभी इस साल सेमेस्टर 1 के रिजल्ट फेल है तो उनका 6 से 8 महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। संतोष कुमार, सेमेस्टर 3 का पूरा सिलेबस, तो ये सेमेस्टर 3 का मैंने मेजर पेपर का जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस वो क्लियर कर दिया, कॉमन क्वेश्चंस का सिलेबस क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स का भी आया नहीं है और वेबसाइट से देखिए सारा सिलेबस धीरे धीरे हटता जा रहा है, शायद जो सिलेबस है उसे मॉडिफाई किया जा रहा है। अवंतिका कुमार, सेमेस्टर 1 का जो बच्चे फेल एग्जाम है उसका फेल स्टूडेंट का एग्जाम से कब होगा, तो मार्च या फिर फरवरी में, जिससे आपसे बच्चों को फरवरी हुआ था उसी टाइम पर आपका कलेक्ट होगा। तो अजय प्रमाणिक, सेमेस्टर 1 एक्स स्टूडेंट, भाई सेमेस्टर 1 एक्स स्टूडेंट आ चुका है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 का आ चुका है, किस होश में जाग जाओ। महिमा मातुस, इनका क्वेश्चन था
ईपीएच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड पब्लिक। देखिए मैंने इस बार ईपीएच और ना ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बनाया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन पेपर था फिर गया, चेयर हो गया। ईपीएच सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर का सिलेबस सेम ही है, तो जो मैंने पहले भी पढ़ा दिया कुछ नया पढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो कॉन्टेंट आपके पास अवेलेबल है, तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ा के क्या किया जाए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इनका नाम कुछ महत्व जिसे नाम है, ठीक है, इनका नाम महत्व है, पता नहीं चल रहा क्या नाम महत्व में लिखा हुआ है। पीके कॉलेज का क्लास 11 का एडमिशन, देखिए यूनिवर्सिटी वालों ने बेसिकली परमिशन दिया नहीं है अभी तक, और परमिशन जब तक देगा आपका टाइम खत्म हो जाए, इससे अच्छा समय बर्बाद ना करें, किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपना नाम करवा ले, वरना आपका इधर के रहिए ना उधर के रहिए, यही बात सलाह दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कोई कहीं क्यों नहीं है, क्यों में बहुत सारे सफल थे, 17 क्वेश्चन है जो आपसे बच्चों को जानना जरूरी था वो मैंने क्लियर कर दिया, बाकी जो बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है उसको कुछ नहीं कर सकता, सारा का सारा जो भी सवाल आया था वो क्लियर कर दिया। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।